नॉडियंस, गुरुत्व के अधीन गति पर हम लोग आज न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कोई भी कंपटीशन में न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आता है। थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए और न्यूमेरिकल बनाने का कला होना चाहिए, तो आप टाइट रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक वस्तु किसी मीनार से गिराई जाती है। मान लिया जाए मीनार, यहां पर पहले वस्तु होगा, यहां से गिराई जाती है। तो कह रहा है गिराई जाती है और इसे पृथ्वी पर आने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। सवाल बनाने का यही तकनीक है, यही तजुर्बा है, यही नियम है कि जो पहले दिया हुआ होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो समय हमारा लग रहा है कितना जी, तो 5 सेकंड। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई याद करें, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालना है। एट का मान निकालना है। एक बात हम बताए होंगे, इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक भी इसमें शेयर कर देंगे कि जब वस्तु सबसे उच्चतम बिंदु पर होती है तो वहां पर पहले स्थिर होगी तब ना गिराए होंगे इसको। यहाँ पर प्रारंभिक वेग का मान क्या होता है, तो जीरो। दो वेग हमारे पास होता है, एक यू होता है एक भी होता है। यू को हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं, इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और भी को हम लोग अंतिम वेग कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर यू हमारा क्या है जी, तो जीरो। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि कौन ऐसा मेरे पास फॉर्मूला है जिसमें एच आता है। बहुत सुंदर, एच बराबर फॉर्मूला तो ये होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो ए की जगह पर हम लोग प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं, जब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो ए की जगह पर माइनस जी का इस्तेमाल करते हैं। जी क्या है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग 10 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट में दिया भी रहेगा कि टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस्तेमाल करें, ये परीक्षा में दिया हुआ भी रहता है। और जहाँ 9.8 दे देगा तो वहाँ मजबूरी है आपका कि आप 9.8 का इस्तेमाल करें। तो यू कितना हमारा है, जीरो है, जीरो इंटू टी जीरो हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जीरो हो गया तो केवल क्या बचा जी, हाफ जी टी स्क्वायर। जीरो प्लस करोगे तो जीरो तो खत्म हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो 1/2। जी का मान 10 है जी, टी स्क्वायर मतलब टी 5 है, 5 का स्क्वायर की जगह 25 हो जाएगा, 125 मीटर ऊंचा है हमारा टावर। बस में आ रही है, सही है, आपको प्रॉब्लम हुआ इसको नोट करें, इस तरह के और भी प्रॉब्लम बताएंगे इसको नोट कर दीजिए। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे हैं, गुरुत्व के अधीन गति पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यदि एक वस्तु किसी 720 मीटर ऊंचा, बहुत लंबा है जी, नहीं है, समझिए कितना ऊंचा हो। यदि किसी एक वस्तु 720 मीटर ऊंचे मीनार से गिराई जाए तो बताइए कि उसके आने में कितना समय लगेगा। इसका इस्तेमाल और एक जगह किया जाता है, जब आपका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो जाएगा और दुश्मन देश पर जब बम गिराने जाएंगे आप, तो बम गिरा के अगर वहीं रहिएगा तुरंत, तो वहां का उस देश का जेट फाइटर विमान मार देगा आपको। बम वहां पता चलेगा कि बम गिर गया तो उन लोग बैठा नहीं रहेगा, तो बम गिरने से पहले आपको भाग जाना है, कौन उसके देश से, उस सीमा को पार कर जाना है। तो इतना ऊंचाई से बम गिराया जाता है कि कम से कम गिरने में 1.5 मिनट लगे, ताकि 1 मिनट में, बहुत जानते हैं फाइटर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट में कितना आगे बढ़ जाएगा उसका वेलोसिटी होता है लगभग किसी का 2500 मीटर पर सेकंड, किसी का 2000 मीटर पर सेकंड, मैंने 1 सेकंड में 2000 किलोमीटर भी जाता है फाइटर प्लेन सुपरसोनिक। तो कम से कम 4-5 सेकंड लगना चाहिए ना पृथ्वी पर आने में, या 10 सेकंड लगना चाहिए, या 1 मिनट लगना चाहिए, इतना ऊंचाई से गिराएं हम कि 1 मिनट में हम उनके सीमा से बाहर चले जाएं। तो वही कह रहा है, तो ऊंचाई दिया रहेगा, कितना ऊंचाई से गिराएं, कितना टाइम लगेगा, तो वही है यहाँ पर कि टावर की ऊंचाई 700 कितना है जी, 20 मीटर है, तो बताइए नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा।
सेम बात सेम कंडीशन, ऊपर से वस्तु नीचे गिर रही है u बराबर जीरो। जब भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो कहीं चुपचाप होगी तब ना गिराए होंगे कि पहले गिर ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, गिरता था कुछ जगह से। तो u कितना है जी हमारा जीरो। एक इसमें हमारा दिया हुआ है जी 720 डिग्री, टाइम निकालना है। आइए डायरेक्ट इसका हम ट्रिक निकाल लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि h इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ gt u जीरो, पूरा पोर्शन क्या हो गया हमारा h हमारा हो गया हाफ g इंटू t का स्क्वायर, दो डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जाएगा 2h बराबर कितना t स्क्वायर, इसलिए t स्क्वायर बराबर 2h by g, इसलिए t बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, मैंने किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से h ऊंचाई से गिरने में कितना टाइम लगता है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, कंपटीशन में मार्केट टाइट होके आ जाओ, ठीक है। अब क्या आपके पास सब चीज है, 2 इंटू h कितना है 720, जी कितना लोगे 10, खत्म 72 गुना 144 वर्गमूल 12, यानी 12 सेकंड लगेगा, 12 सेकंड में जितना भाग सकते हैं भाग जाइए, बात समझ आ रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन, दैट्स योर आंसर, एनी प्रॉब्लम, राइट इट प्लीज नाउ। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए, अब यहां पर हम टाइप चेंज कर रहे हैं, उसमें हम ऊपर से नीचे गिरा रहे थे, अब गिरा नहीं रहे, अब ऊपर में फेंक रहे हैं, तो अब दोनों में अंतर है, गिरता है तो आराम से गिर जाएगा लेकिन चढ़ाना है तो लेट लगेगा। तो अब जब गिर रहा था तो वहां पर यू जीरो था, अब यहाँ यू जीरो कर दीजिएगा, जब प्रारंभिक में उसको बेगे दे दीजिएगा तो जब जाएगा कहां से जाएगा, जाने में थोड़ा ठेलना पड़ता है ना जी, अब इसमें तो यहां से तो बेग रहेगा लेकिन अंतिम में यहाँ पर उसका अंतिम बेग जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गया इसे घर से पैसा लेके भागे, तो कब तक बाहर रहिएगा, जब तक पैसा है, पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर गार्जियन की याद ही भी करेगा, तो पैसा खत्म हो गया मैंने अंतिम बेग क्या हो गया जीरो हो गया, जीरो हो जाता ऊपर में। तो अब बता रहा है कि ध्यान रखिएगा, अब गिराने समय यू जीरो होता है और ऊपर जाने समय बी जीरो होता है, और इसमें ए के जगह पर हम लोग माइनस जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब वस्तु ऊपर जाती है तो पृथ्वी इसको क्या करती है खींचती है, तभी ना वापस आ गया, जैसे घर से आप भागते हैं तो मम्मी पापा का प्यार आपको खींचता है, जैसे आप मान लीजिए मेरे से छोड़कर दूसरे के पास ट्यूशन जाइएगा, तो यहाँ जो समझे हैं समझने का जो तरीका है वो वहाँ पढ़िएगा, तो हो सकता है समझ में ना आए तो फिर मेरा प्यार खींचेगा ना, वो कि नहीं वहाँ तो चलो भैया तो समझाओ तो भैया यहाँ ना खो समझ में आओ, चलो वहीं चलते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। तो यहाँ पर एक जगह पर क्या लगता है तो माइनस जी लगता है, क्या जी, तो आपका जो फॉर्मूला होता है 9th क्लास में पढ़े जी बराबर यू प्लस ए जी, तो एक जगह पर क्या लिख दीजिएगा माइनस जी, तो जाता है जी बराबर यू माइनस जी टी, तो आप यहाँ जीरो पुट कीजिए, तो जी बराबर जीरो पुट कीजिएगा हो जाएगा यू माइनस जी टी, तो जी टी क्या होने जी टी क्या, तो जी टी बराबर यू बराबर, इसलिए टी बराबर यू बाई जी, यू बाई जी। तो अब यू हमारे पास है कितना है, यू 600 है मीटर पर सेकेंड, और जी आप जानते हैं कि होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां पर रख देंगे 600 बटे में 10, 60 सेकंड लगेगा ऊपर जाने में, एक मिनट लगेगा सबसे ऊपर पहुंचने में, बात समझ आ रही है, ये हुआ आपका एक टाइप का न्यूमेरिकल, प्लीज नोट इट नाउ। नॉट योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, कह रहा है कि यदि गेंद सेम क्वेश्चन है 600 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो बताइए कि वह गेंद कितना ऊंचा जाएगा, हर एक मन में प्रश्न होता है, बहुत बच्चे बचपन में पत्थर फेंक प्रतियोगिता करते हैं कि देखो हम किसका कितना ऊंचा जाता है, ये है हर कोई बचपन में करता है। तो 600 मीटर पर सेकंड के वेग से यदि फेंक रहे हैं तो बताइए कि वह कितना ऊंचा जाएगा, मतलब आपको एच निकालना है,
सिर्फ फेंक रहे मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है क्या जी? तो ऊपर में अंतिम में क्या होता है? जीरो होता है। जहां पर ऊंचाई पर गया होगा वहां पर अंतिम में जीरो हुआ होगा। आयु हमारा दिया हुआ है कितना? 600 मीटर पर सेकंड। अगर टाइम दिया हुआ होता तो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते जो था ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी तो दिया ही नहीं हुआ है, टाइम है ही नहीं हमारे पास, तो फिर वैसा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिसमें टाइम नहीं आता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जब ऊपर फेंक रहे हैं तो ए की जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जी माइनस जी। तो माइनस जी जब रखोगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ए की जगह माइनस जी, माइनस जी। तो टू गुने माइनस जी मतलब माइनस टू जी, माइनस टू जी। अब एस कितना हमारा है तो एच है, मान लिया है कितना एच दिया जा रहा है। तो भी क्या है हमारा? जीरो। जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। टू जी एच को इधर ले आइए तो टू जी एच बराबर यू स्क्वायर, इसलिए एच बराबर यू स्क्वायर बाई टू जी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो गया, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो इतना दिस डेट करने की कंपटीशन में कोई जरूरत नहीं होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, यू की जगह वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर मतलब 600 गुने 600 बाई 2 गुने जी मतलब 10। कट गया छो दूसरे कितना में कट गया? 30 बार में से 36 3 0 1 2 कितना मीटर जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 18,000 मीटर मैंने 1 किलोमीटर 8 सेकंड मतलब 600 मीटर पर सेकंड। समझो कितना हो गया, 1 सेकंड में 600 मीटर जा रहा है तो कितना चल जाएगा? 18,000 मीटर ऊपर मैंने 1 किलोमीटर 1.8 किलोमीटर जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो इसी तरह से आप इस न्यूज को बनाते रहें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। नेक्स्ट बाय।